2014 में आए थे उसको देने के लिए एक व्यक्ति आ गया और उस व्यक्ति ने एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू देके कहा कि बड़ी अच्छी राजनीति करते हैं, इसीलिए मैंने 2 करोड़ रुपए दान दे दिया आम आदमी पार्टी को। आज मैं आम आदमी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता से, आम आदमी पार्टी के हर एक विधायक से ये निवेदन करता हूँ कि जो तथ्य मैं यहाँ रखने जा रहा हूँ इसे बड़े ध्यान से देखना, एक एक चीज को बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि आज दो चीज़ें मैं साबित करूँगा। पहली चीज़ हम साबित करेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो वीडियो इंटरनेट पे चलाया वो झूठा था, उसके अंदर जो जानकारी दी जा रही थी वो जानकारी झूठी थी, वो तथ्य झूठे थे जो उसके अंदर जानकारी दी गई। और क्योंकि अरविंद केजरीवाल IRS ऑफिसर रहे हैं, उनको एक एक कानून की जानकारी है, इसीलिए देश ये मानेगा कि अरविंद केजरीवाल ने जब उस वीडियो को ट्वीट किया इसका मतलब अरविंद केजरीवाल जानबूझकर कर रहे थे, वो एक झूठ इस देश में फैलाना चाहते थे अपने अपराधों को छुपाने के लिए। और इसीलिए मनीष सिसोदिया जी ने, संजय सिंह जी ने, इन्होंने भी उस वीडियो को फैलाया जिससे कि नीचे कार्यकर्ता तक एक झूठ पहुंच जाए। अब उस झूठ का आज हम खुलासा करेंगे वो झूठ क्या था, लेकिन उससे बड़ी सच्चाई कि उस व्यक्ति की दिल्ली सरकार के साथ क्या रिश्तेदारी है वो आज हम खुलासा करेंगे। और सबसे बड़ी सच्चाई, किस आदमी का नाम छुपाने के लिए मुकेश कुमार को सामने लाया गया, किस सच पे पर्दा डालने के लिए मुकेश कुमार मजबूरी बना, क्यों अरविंद केजरीवाल की ये मजबूरी बन गई कि मुकेश कुमार को बलि का बकरा बनाया जाए, आखिर वो कौन सा आदमी है जिसको छुपाया जा रहा था और मुकेश कुमार को आगे लाया जा रहा था, और जिस आदमी को छुपाया जा रहा था उसके इस देश के सबसे बड़े बड़े अपराधियों से क्या संबंध है, आज उसका खुलासा हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। सारे दस्तावेजों के साथ एक प्रेजेंटेशन आप सबके लिए बनाई है, मैं निवेदन करूंगा ये लाइट बंद कर दी जाए जिससे कि ये प्रेजेंट। एक चीज़ उससे पहले मैं कहना चाहता हूं, इस सारे तथ्यों की जानकारी और इन्वेस्टिगेशन में नील ने की है, बहुत सारे तथ्य निकाले हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आज इनका जन्मदिन है, बर्थडे है, और उसके बावजूद भी ये काम कर रहे हैं, तो ये लाइट एक बार बंद कर दी जाए। दिख रहा है, क्लियर है। अब मैं आपको सबसे पहले ये वो रसीदें हैं उन 4 कंपनियों की जिन्होंने अप्रैल 5, 2014 रात को 12 बजे 50 लाख रुपया आम आदमी पार्टी के खाते में डाला। आप ध्यान से ये रसीद और ये डेट और ये अमाउंट इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। इन्फोलेंस, स्काईलाइन मेटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। 5 अप्रैल 2014 सनविजर एजेंसी, 5 अप्रैल 2014 ये सबके, अभी एक सेकंड रुकिएगा यहीं पर ही। इन कंपनियों के एक ही साथ एक ही तारीख को रात के 12 बजे एक साथ आम आदमी पार्टी के खाते में 50 लाख रुपए आते हैं। अब ये लेटर हेड है जिस लेटर हेड पे ये सर्टिफाई किया गया कि इन कंपनियों ने 50 लाख रुपए दिए। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप लेटर हेड देख लो, 50 लाख रुपए देने वाली कंपनी का लेटर हेड देख लो, और इस लेटर हेड पे डेट देख लो, इस लेटर हेड पे रेफरेंस नंबर देख लो, और इस लेटर हेड को घर में बैठ के बनाया गया है कि कंपनी का लेटर हेड है ये देख लो, और सारे देश को आप दिखा दो। ये है गोल्ड माइन बिल्डकॉन, साइन उन्हीं मुकेश कुमार के हैं जो ये दावा करते हैं कि 2 करोड़ रुपए उन्होंने दिए। कुछ भी नहीं है इसके ऊपर, ये घर में बैठ के कंप्यूटर पे प्रिंट आउट निकाला गया है, टेलीफोन नंबर, रेफरेंस, डेट, कोई फर्जी दिखने जैसा लेटर हेड है, लेकिन फिर भी एक लेटर हेड है जो हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरा लेटर हेड है इन्फोलेंस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, दोबारा घर में बैठ के बनाया हुआ लेटर हेड, 50 लाख रुपए डोनेशन देने वाली कंपनी का लेटर हेड है ये। और इसमें अब ये तीसरा लेटर हेड बहुत इंपॉर्टेंट है, सन विजन कंपनी लेटर हेड, ये भी घर में बना है लेकिन इसमें मुकेश कुमार के साइन नहीं है, जो मुकेश कुमार बोल रहे थे कि उन्होंने पैसा दिया 50 लाख रुपए, ये साइन मुकेश कुमार का नहीं है सन विजन में, केवल 2 कंपनियों में मुकेश कुमार का साइन है। चौथा लेटर हेड मैं आपके सामने रखूंगा अभी, स्काईलाइन मेटल, इसमें भी मुकेश कुमार का साइन नहीं है। और इस लेटर हेड को आप बड़े ध्यान से देखना क्योंकि ये लेटर हेड सबसे बड़े अपराध का आज पर्दाफाश करेगा अरविंद केजरीवाल के काले धंधे का। इस लेटर हेड को आप अपने स्क्रीन पे संभाल के नोट करना, स्काईलाइन मेटल एंड अलॉयज, और नीचे जो साइन है उसको आप जरा ध्यान से नोट कर लेना। तो ये 4 कंपनियों ने 50 लाख रुपए दिए, केवल 2 कंपनियों के लेटर हेड पे मुकेश कुमार के साइन है, बाकी 2 पे मुकेश कुमार के साइन नहीं है। और क्यों नहीं है वो साइन, अभी मैं आपको वो तथ्य आपके सामने रखूंगा। नेक्स्ट, ये जब आम आदमी पार्टी से पूछा गया कि 2 करोड़ रुपए कहां से आए, तो आम आदमी पार्टी ने इनकम टैक्स को बोला कि हमको नहीं मालूम ये 2 करोड़ रुपए कहां से आए।
आज अरविंद केजरीवाल ने वीडियो किया है, अब मैं अरविंद केजरीवाल को चुनौती देता हूँ, इनकम टैक्स को जवाब दे दो अब कि तुम्हें मालूम है 2 करोड़ रुपए कहाँ से आए, क्योंकि तुमने इनकम टैक्स को बोला था तुम्हें मालूम नहीं है, अब तुमने वीडियो ट्वीट किया है कि मुकेश कुमार ने 2 करोड़ रुपए दिए अरविंद केजरीवाल। अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी आंखों की शर्म बची है आज इनकम टैक्स को लिख के दे दो कि मुकेश कुमार की कंपनी से 2 करोड़ रुपए आए हैं, चुनौती देता हूँ। इनकम टैक्स को आज बता दो कि 2 करोड़ रुपए मुकेश कुमार की कंपनी से आए हैं, क्योंकि तुमने इनकम टैक्स को बोला था कि तुम्हें नहीं मालूम 2 करोड़ रुपए कहाँ से आए हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये है मुकेश कुमार कब किस कंपनी का डायरेक्टर था इन चारों में, उसका डिन नंबर ऊपर लिखा हुआ है, पूरी दुनिया में कोई भी चेक कर सकता है। डिन नंबर है 3112675। पहली कंपनी स्काईलाइन, मुकेश कुमार एडिशनल डायरेक्टर बने हैं इसी साल 22 अप्रैल 2017 को। डोनेशन कब दी गई है? सन 2014 में। मुकेश कुमार इस कंपनी में कब आए हैं? 22 अप्रैल 2017 यानी इस साल 2014 में मुकेश कुमार इस कंपनी के डायरेक्टर थे ही नहीं। तो जब डायरेक्टर थे ही नहीं, कंपनी के डायरेक्टर इस साल बने हैं 22 अप्रैल, और ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीडी चुनाव की वोटिंग से ठीक एक दिन पहले की डेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसको आप नोट कीजिए। ये आदमी उस कंपनी का डायरेक्टर इस साल बना है, क्योंकि ये पता लग गया था कि अब काला धन सामने आ जाएगा, तो इस आदमी को मुकेश कुमार को कंपनी में डाला गया। जिस तारीख को ये डोनेशन आई मुकेश कुमार इस कंपनी में नहीं थे। दूसरी कंपनी है गोल्ड माइन, जिसमें वो डायरेक्टर थे, उनके साइन भी हमने देखे। तीसरी कंपनी सनविजन, सनविजन में मुकेश कुमार 2 नवंबर 2012 को छोड़ चुके थे। दो नवंबर 2012 के बाद मुकेश कुमार सनविजन में थे ही नहीं। तो 2014 में 50 लाख रुपए सनविजन के दे कैसे दिए? इनमें से दो कंपनी में मुकेश कुमार नहीं थे, ये दो चीज़ों से साबित हुआ। दोनों के लेटर हेड पे मुकेश कुमार का साइन नहीं है जो आपने देखा। उसके बाद ये सरकारी डेटा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का, जिसमें मुकेश कुमार 2 नवंबर 2012 को छोड़ चुके थे एक कंपनी, और एक कंपनी को उन्होंने अभी इसी साल 22 नवंबर को ज्वाइन किया, इससे पहले इस कंपनी में थे ही नहीं। यानी मुकेश कुमार के दोनों झूठ सामने आ गए, और अरविंद केजरीवाल का झूठ सामने आया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस देश को चाहते थे कि ये देश ये मान ले कि ये 2 करोड़ रुपए बड़ी ईमानदारी से आम आदमी पार्टी को मुकेश कुमार ने दिए हैं और स्वच्छ राजनीति करने के लिए। तो ये तथ्य है, एक एक डेट आपके सामने रख रहा हूँ, मुकेश कुमार कब आया कब गया। बलि का बकरा मुकेश कुमार को बनाया जा रहा है एक ऐसे आदमी को छुपाने के लिए जिसका सीधा हवाला का नेटवर्क अरविंद केजरीवाल अल्टर है, और इसको दिल्ली सरकार से नोटिस गया था कि आपकी कंपनी बंद हो जाएगी, आपकी कंपनी वैट नहीं दे रही है। ये नोटिस गया है दिसंबर 18 2013 को, आम आदमी पार्टी की सरकार आने से ठीक 10 दिन पहले SKN एसोसिएट मुकेश कुमार की कंपनी को नोटिस जाता है कि आप वैट नहीं देते हो, टैक्स नहीं देते हो, आपकी कंपनी बंद कर दी जाएगी, आपकी कंपनी को जो ठेके दिए गए हैं वो ले लिए जाएंगे। लेकिन वो वैट नहीं देता, वो क्या देता है? रात को 12 बजे फर्जी कंपनियों के माध्यम से आम आदमी पार्टी को 2 करोड़ रुपए भिजवाता है। वैट नहीं देता, टैक्स नहीं देता, 2 करोड़ रुपए फर्जी कंपनियों के माध्यम से भिजवाता है, और उसके बाद चुप हो जाती है सरकार, उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करती है। ये कंपनी SKN एसोसिएट दिल्ली गवर्नमेंट के वैट डिपार्टमेंट में इसी एड्रेस पे रजिस्टर्ड है। और इससे भी खतरनाक बात, दिल्ली सरकार के ठेके इस कंपनी को मिले हुए हैं LPG CNG कन्वर्टर के, कूलर टावर के, इलेक्ट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट दिल्ली सरकार के ठेके मिले। जिस कंपनी को बंद होना था, जिसके ठेके बंद होने थे वैट ना देने के कारण, उस कंपनी के लोगों के माध्यम से फर्जी पैसे आम आदमी पार्टी के खाते में आते हैं। दिल्ली सरकार को टैक्स नहीं मिलता, आम आदमी पार्टी के खाते में पैसा आता है करोड़ों रुपया, और उसके बाद वो कंपनी अपना काम करती रहती है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। सीधे सीधे पब्लिक करप्शन का केस है, सीधे सीधे सरकारी ताकत के दुरुपयोग का केस है, और सीधे सीधे ये मामला अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की नॉलेज में हुआ है, क्योंकि ये यहाँ पे साबित होता है। सरकार का नोटिस इस कंपनी को दिया गया था, मुकेश कुमार की कंपनी है जो आज सामने आके, उसकी मजबूरी है, मुकेश कुमार की मजबूरी है कि वो सामने आके जो अरविंद केजरीवाल बोलेंगे वो बयान देगा, क्योंकि उसकी कंपनी बंद हो जाएगी, उसकी वेट की और ठेकेदारी बंद हो जाएगी उसकी SKN कंपनी की, अगर मुकेश कुमार दुनिया के सामने आके ये ना बोले। जो अरविंद केजरीवाल बोलेंगे वो मुकेश कुमार को बोलना पड़ेगा, लेकिन उसका सारा झूठ एक एक करके आज पर्दाफाश हो रहा है। दिल्ली गवर्नमेंट ने दिसंबर 18 को दिया था, 1 जनवरी 2014 को बंद हो जानी चाहिए थी कंपनी, लेकिन अप्रैल 2014 को करोड़ों रुपए का चंदा आम आदमी पार्टी के खाते में उसी के लोग भिजवाते हैं। मेरे को लगता है इससे ज़्यादा भयानक खुलेआम भ्रष्टाचार
जिसमें सरकार को टैक्स ना मिले, जनता का टैक्स का जनता का हिस्सा चुरा लिया जाए, वैट चुरा लिया जाए, ठेका सरकार के द्वारा चलता रहे और पार्टी के खाते में पैसा जाए। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में इतना खुला हुआ पब्लिक करप्शन का मामला कभी सामने नहीं आया। सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया इस मामले में है, क्योंकि उनका डिपार्टमेंट था। नेक्स्ट स्लाइड, ये वो नोटिस है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैक्स का 18 दिसंबर का, जो मुकेश कुमार की एसकेएन एसोसिएट कंपनी को दिया गया था, जिसके दिल्ली सरकार में ठेके चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, अब मैं आपको दिखाता हूं मुकेश कुमार की इन कंपनियों का नेटवर्क कहां पे जाता है और वो कौन सा आदमी है जिसको छुपाने के लिए मुकेश कुमार को सामने लाया गया। अरविंद केजरीवाल का वो कौन सा राज है जिसको छुपाने के लिए कल वो वीडियो अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और ये कोशिश की कि पूरा देश ये मान ले, पूरा देश ये मान ले कि मुकेश कुमार ही वो आदमी और आगे जांच ना हो, आगे कोई सवाल ना पूछा जाए। उस आदमी का नाम जिस आदमी को अरविंद केजरीवाल छुपा रहे थे आज हम इस देश के सामने रखेंगे, उस आदमी का नाम है हेम प्रकाश शर्मा, वो जो वहाँ सामने दिख रहा है। अभी हेम प्रकाश शर्मा के सारे डॉक्यूमेंट हम लेकर आएंगे। मुकेश कुमार से उसकी तीन कंपनियों के सीधे संबंध हैं। एसकेएन एसोसिएट में जिस कंपनी का अभी ठेका हमने और वैट का टैक्स दिखाया, एसकेएन एसोसिएट, हेम प्रकाश शर्मा और मुकेश कुमार एक साथ हैं। गोल्ड माइन बिल्डकॉन जिसने 50 लाख रुपए आम आदमी पार्टी को रात के 12 बजे दिए, उसमें हेम प्रकाश शर्मा और मुकेश कुमार एक साथ हैं। इन्फोलेंस सॉफ्टवेयर जिसने रात को 12 बजे 50 लाख रुपए दिए, उसमें हेम प्रकाश शर्मा और मुकेश कुमार एक साथ हैं। ये हेम प्रकाश शर्मा का नाम इस दुनिया के सामने ना आए, इसके लिए अरविंद केजरीवाल ने मुकेश कुमार को आगे करके ये पूरा खेल रचा। आज इस खेल का भंडाफोड़ हो गया है। अभी हम दिखाते हैं हेम प्रकाश शर्मा के बाकी डिटेल। ये देखिए सिग्नेचर जो मैंने कहा था, ध्यान से देखना 50 लाख रुपए वाले लेटर पे, ये सिग्नेचर है हेम प्रकाश शर्मा का स्काईलाइन मेटल एंड एलॉयज कंपनी में। रात को 12 बजे जो लेटर हेड आया, जो चंदा आया 50 लाख रुपए का, उसमें हेम प्रकाश शर्मा का सिग्नेचर है। ये सिग्नेचर वेरीफाई होता है, लेकिन ये लेटर हेड फ्रॉड है और ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट फर्जी बनाया गया हेम प्रकाश शर्मा के नाम को। चार लेटर हेड हमने दिखाए, दो में मुकेश कुमार के साइन थे और एक में हेम प्रकाश शर्मा का साइन था, एक में एक और साइन था। उन्होंने कहा कि चारों मुकेश कुमार के हैं, क्यों? जिससे कि हेम प्रकाश शर्मा का नाम सामने ना आए। ये हेम प्रकाश शर्मा का नाम आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जिस नाम को अरविंद केजरीवाल छुपा कर बैठे थे। अब हेम प्रकाश शर्मा का हेम वो ये सारा फ्रॉड है, ये डॉक्यूमेंट भी सारे फ्रॉड है जो जाँच में निकलेंगे, लेकिन हेम प्रकाश शर्मा की सच्चाई सामने आते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट दिखाया जाए, ये है हेम प्रकाश शर्मा की कंपनियां, पीछे दिखाओ। एक तो ये कंपनियां, उनकी पूरी स्काईलाइन, स्क्वायर, गोल्ड माइन, नेक्सस, इवॉल्व, डिजिटल, बीपी, सुपर ईयर, एसकेएन एसोसिएट, इन्फोलेंस एंड राउंड मीडिया और आगे और कंपनियां हैं। बहुत बड़ा आदमी है ये हेम प्रकाश शर्मा, कोई छोटा, ये सारी कंपनियों में डायरेक्टर है। वेव, आधुनिक, राधिका, मिनिमैक्स, अचीवर, महाशिव, कॉम्पैक्ट, फ्यूचर, ग्लोबस, ग्लोबस ईवेस्ट, मिनिमैक्स, ये ग्लोबस रिसाइकलिंग, ग्लोबल ईवेस्ट, इन कंपनियों के। अभी आपको एक हिंट देता हूँ, मीडिया जांच करेगी इनको कितने करोड़ों रुपए का लोन इन कंपनियों को एक ही तारीख और एक ही डेट पे मिला है, उसके डिटेल भी बाद में सामने आएंगे, क्योंकि हमने एक ही दिन में जवाब लेके आए हैं तो उसके डिटेल अभी नहीं रख रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ा भ्रष्टाचार वहां पर है। डायनामिक स्पाइस, ये सारी कंपनियां, वो डेवलिन कॉर्पोरेशन जिसको हमने गोला किया है, जितने लोग हिंदुस्तान के हवाला को समझते हैं, हिंदुस्तान में काले धन को समझते हैं, इस कंपनी का नाम हर एक व्यक्ति को पता है, डेवलिन कॉर्पोरेशन। हेम प्रकाश शर्मा एडिशनल डायरेक्टर रहे हैं और उसी हेम प्रकाश शर्मा के साइन से 50 लाख रुपए रात को 12 बजे आया है। उसी हेम प्रकाश शर्मा को छुपाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने मुकेश कुमार को आगे किया है। डेवलिन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नोट कीजिए कंपनी, डेवलिन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, डेवलिन कॉर्पोरेशन लिमिटेड कौन सी कंपनी है, इसका एड्रेस मैं आपको दिखाता हूँ। ये है डेवलिन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रोहित टंडन की कंपनी, इसका एड्रेस है R89 ग्रेटर कैलाश 1 न्यू दिल्ली। ये वही एड्रेस है जिस पे हवाला, काले धन और काले धन को डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे गलत करेंसी को नई करेंसी में कन्वर्ट करने का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा छापा पड़ा था ग्रेटर कैलाश के अंदर, GKIT रेट्स, इनकम टैक्स का जो सबसे बड़ा छापा पड़ा था वो ये एड्रेस है। सारे मीडिया को पता है, सारे देश को, रोहित टंडन की कंपनी, सीधे सीधे हेम प्रकाश शर्मा उस कंपनी का डायरेक्टर, और वही हेम प्रकाश शर्मा साइन करके रात को 12 बजे 50 लाख रुपए आम आदमी पार्टी के खाते में डालता है। रोहित टंडन, R89 ग्रेटर कैलाश, इस छापे की आपको तस्वीर दिखाते हैं, कैसा छापा पड़ा था। ये नोटों, ये रोहित टंडन है, 76 करोड़ रुपए अरेस्टेड किया, एनफोर्स ईडी ने अरेस्ट किया है, इलीगल कन्वर्जन ऑफ ब्लैक मनी। उसके घर से नोटों की गड्डियों की गड्डियां बरामद हुई थी, अलमारी से नोट, बिस्तर से नोट, बाथरूम से नोट,
हर कमरे से नोट ही नोट निकल रहे थे। उस आदमी के एड्रेस पे हेम प्रकाश शर्मा का कंपनी है और वो हेम प्रकाश शर्मा रात को 12 बजे 50 लाख रुपए देता है। उस हेम प्रकाश शर्मा का नाम छुपाने के लिए अरविंद केजरीवाल मुकेश कुमार को सामने लेके आता है। घर को गोदाम बनाया था, घर पूरा पैसे का गोदाम बना हुआ था। नेक्स्ट स्लाइड ये देखिए, वरुण टंडन, रोहित टंडन, सोनू टंडन, हेम प्रकाश शर्मा, जितेंद्र कुमार, ये जितेंद्र कुमार भी उन चारों कंपनियों में है जिन कंपनियों ने रात के 12 बजे 50 लाख रुपए आम आदमी पार्टी को हवाला के माध्यम से दिए। मुझे लगता है हवाला का, अरविंद केजरीवाल का कनेक्शन इससे बड़ा सबूत और अरविंद केजरीवाल के द्वारा हवाला को छुपाने के लिए मुकेश कुमार को आगे लाना, इस सारे काले धंधे को छुपाने की यह आखिरी कोशिश थी जिसका आज सारे देश के सामने भंडाफोड़ हुआ है। और हेम प्रकाश शर्मा कौन है, उसकी फोटो भारत की सरकार की वेबसाइट पे क्या है वो आपको दिखाऊंगा, आप हैरान हो जाओगे कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है। हेम प्रकाश शर्मा की फोटो दिखाई जाए, ये है हेम प्रकाश शर्मा भाई साहब। इस आदमी को, ये एक नकली आदमी, फर्जी आदमी, ये कितनी कंपनियों का डायरेक्टर है, 500 कंपनियों का डायरेक्टर, रोहित टंडन की कंपनी में आम आदमी पार्टी को 50 लाख रुपए का डोनेशन का साइन ये करता है उस कंपनी का डायरेक्टर, ये हेम प्रकाश शर्मा। इस आदमी को आज इनकम टैक्स ढूंढ रहा है कि ये असली कौन है, नकली की फोटो तो भारत सरकार की साइट पर पड़ी है, असली कौन है, इसको ईडी ढूंढ रहा है, इसको एमसीए की वेबसाइट से है सर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेम डिन नंबर डाल के निकाला गया है। इस आदमी को आज इनकम टैक्स ढूंढ रहा है, ईडी ढूंढ रहा है, सीबीआई ढूंढ रहा है, यह आदमी किसी को नहीं मिलता, यह आदमी केवल अरविंद केजरीवाल को मिलता है। और अरविंद केजरीवाल इसका नाम छुपाने के लिए मुकेश, कितना बड़ा काला धंधा हवाला का अरविंद केजरीवाल के द्वारा खुद चलाया जा रहा है। हेम प्रकाश शर्मा का लेटर हेड छुपा के मुकेश कुमार को आगे लाने की सच्चाई आज पूरे देश के सामने है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी, आपका हवाला हमने सीबीडीटी में भी जो दिया था उसमें रोहित टंडन का नाम देकर आए थे, लाइट जला दो, सीबीडीटी में भी जो देकर आए थे उसमें रोहित टंडन का डिटेल देकर आए थे। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, फर्जी बैलेंस शीट, खुद अरविंद केजरीवाल के साइन, ऐसी बैलेंस शीट जिसमें अरविंद केजरीवाल का साइन है, और वो यार ये तुमने ज़्यादा मेरे से ये उठवाते हो, और फिर अरविंद केजरीवाल फर्जी वीडियो चला के बोलते हैं कि हमने कोई साजिश रची है। तो सुनो, हवाला का, अरविंद केजरीवाल का इससे सीधा संबंध आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में किसी राजनेता का साबित नहीं हुआ। सरकारी ठेके एक कंपनी को दिए जा रहे हैं, उसी के माध्यम से फर्जी चंदा लिया जा रहा है। मेरे को ये लगता है कि इससे बड़ा फर्जीवाड़ा, इससे बड़ा हवाला और काले धन का नेटवर्क, और डीमोनेटाइजेशन पे जो अरविंद केजरीवाल चिल्ला चिल्ला के सड़कों पे दौड़ रहे थे, चारों तरफ रैलियां कर रहे थे, पागलों की तरह लगे हुए थे किसी तरह से डीमोनेटाइजेशन रुक जाए, डीमोनेटाइजेशन रुक जाए, डीमोनेटाइजेशन रुक जाए। मुझे डीमोनेटाइजेशन की अच्छाई या बुराई के उसमें नहीं जा रहा, लेकिन अरविंद केजरीवाल कितने बौखलाए हुए थे उस वक्त, उस बौखलाहट का राज आज हिंदुस्तान के सामने आ गया, क्योंकि काले धन को सफ़ेद करने में, डीमोनेटाइजेशन में जहाँ जहाँ छापे पड़ रहे थे वहाँ अरविंद केजरीवाल के लोग बैठे हुए थे। तीन रेड इसी एड्रेस पे हुआ है जिस एड्रेस को आज अरविंद केजरीवाल छुपाने की कोशिश कर रहे थे इस देश से। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि इतने सारे तथ्य और डिटेल, एक एक फैक्ट, एक एक नंबर, एक एक एड्रेस आज मैंने देश के सामने रखा है। ये छोटे लोग नहीं है जिनसे हम लड़ रहे हैं, ये वो नाम है जिन नामों को अरविंद केजरीवाल भी छुपा के बैठते थे, आज हमने उन नामों को देश के सामने लाए हैं। हो सकता है कि हमारी जान चली जाए, हमें मरवा दिया जाए, ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ये छोटे लोग नहीं है जिनकी सच्चाई हम इस देश के सामने ला रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारी हत्या करवा दी जाए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल का हवाला का नेक्सस, काले धन का नेक्सस, ब्लैक मनी को वाइट करने का नेक्सस, और उनकी खुद की कोशिश इन सारे मामलों पे पर्दा डालने की एक बलि के बकरे को सामने लाके आज इस देश के सामने बिल्कुल खुल के आ गई है। इससे बड़ा एक्सपोज अरविंद केजरीवाल का कभी नहीं हुआ है। क्या आज भी अरविंद केजरीवाल अपने घर के अंदर बंद रहेंगे? आईआरएस ऑफिसर हैं, कानून की समझ है, हिम्मत है, तो सामने आओ इस देश के, और आंखों में पानी है, थोड़ी सी भी शर्म बची है, इस देश की जनता ने ईमानदारी के नाम पर तुमको वोट दिया था, हिम्मत है अरविंद केजरीवाल, इस्तीफा देकर दिखाओ कुर्सी से उतर के, क्योंकि ये सारी जांच तुम प्रभावित करते हो, ये सारे डेटा से तुम प्रभावित करते हो। जो आदमी ईवीएम की मशीन को गड़बड़ कर सकता है वो किसी भी चीज़ को गड़बड़ कर सकता है इस देश के अंदर। अगर हिम्मत है तो कुर्सी छोड़ो, चुनौती देता हूँ, कुर्सी से उतर के इस जांच का सामना करो अरविंद केजरीवाल, या कुर्सी पे कीड़े की तरह चिपक के बैठ के इस कुर्सी से सीधा जेल जाओगे।
लोगों ने कहा कपिल मिश्रा तुम अरविंद केजरीवाल का कॉलर पकड़ने वाले थे, सारे देश के सामने कहता हूँ कॉलर मैंने पकड़ा हुआ है अरविंद केजरीवाल का, मेरे हाथ में अरविंद केजरीवाल का कॉलर है और 6 फ्लैग स्टाफ मार्च से निकल के अरविंद केजरीवाल सीधे तिहाड़ जाएंगे, तिहाड़ जाएंगे, तिहाड़ जाएंगे। कपिल जी आपने इसका खुलासा किया, ये जो लड़का है हम प्रकाश शर्मा, हम मुकेश शर्मा, मुकेश शर्मा इसका कितना टर्नओवर कितना है कंपनी? कुछ भी नहीं है सर, पता है मैं आपको, मैं लॉस मेकिंग कंपनी है चारों, इन कंपनी का बैलेंस शीट मैं तो कहता हूं कि जिन्होंने भी उसका इंटरव्यू लिया बैलेंस शीट मांगनी चाहिए थी। एक कंपनी चंदा तब दे सकती है जब 3 साल तक वो प्रॉफिट में हो, और 3 साल तक प्रॉफिट में होने के बाद उसका एक पर्टिकुलर 7.5% ही वो चंदा दे सकती है। तो वो कहीं पर भी ये कंपनी ये 2 करोड़ रुपये चंदा देने की हैसियत में ही नहीं थी, और ना वो आदमी, और ये सारे डिटेल आज तो मैंने एक एक डिटेल रखा है, उस आदमी का डिन नंबर, उस कंपनी का डिटेल आपके सामने रखे हैं, 2 मिनट में कोई भी मीडिया वाला निकाल लेगा। जब हम जैसे आम लोग इतनी सच्चाई सामने ला सकते हैं तो आप लोग तो बहुत सारा, मेरे को लगता है अब ये सच्चाई की पोल। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ ऑन रिकॉर्ड, ये जो विदेशी दौरे छुपाए जा रहे हैं राघव चड्ढा के, दुर्गेश पाठक के, आशीष खेतान के, संजय सिंह के, सत्येंद्र जैन के और मनीष सिसोदिया के, फिर से कह रहा हूँ जिस दिन ये विदेशी दौरे सामने आ गए इतना बड़ा माफिया और काला धन खुलने वाला है कि पूरा देश हैरान हो जाएगा। इसीलिए सब कुछ हो गया, सारी मीडिया ने सवाल पूछ लिया, सारी जनता ने सवाल पूछ लिया, अनशन हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन ये विदेशी दौरे छुपा के बैठे हैं, क्योंकि ये तो बहुत छोटा सा छोटा है, अरविंद केजरीवाल का इतना बड़ा माफिया है उसके सामने ये बहुत छोटा खुलासा है। विदेशी दौरे जिस दिन सामने आ गए उस दिन अरविंद केजरीवाल को हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ेगा, इस देश में रुक नहीं पाएंगे, हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ेगा जिस दिन विदेशी दौरों के डिटेल सामने आ गए। कपिल कहने का मतलब क्या है, ये तमाम जिस हिसाब से आप हवाला कारोबारी बता रहे हैं, जिस हिसाब से अभी सत्येंद्र जैन का भी नाम आया था हवाला कारोबारी को लेकर इनकम टैक्स में, क्या उससे संबंधित ये भी लोग भी हैं या कुछ अलग है? सर मैंने एक एक तथ्य आपके सामने रख दिया, जिस चीज का सबूत है, जिस चीज़ के डॉक्यूमेंट हैं, जो चीज़ सरकार की वेबसाइट में है वो मैंने आपके सामने रख दिए। इसके अलावा मेरे को लगता है कि आप लोगों की खुद की इन्वेस्टिगेशन बहुत कमाल की होती है, आप लोग इससे भी ज़्यादा खोल के ले आओगे। कपिल भाई आप कह रहे हैं कि इतना कुछ आपने खोल के रख दिया, तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं पता लग रहा होगा कि 2 साल पहले भी ये मामला नहीं उठाया था ये वाला, तो अभी तक इनकम टैक्स के हाथ में नहीं आया सर? इनकम टैक्स ने आम आदमी पार्टी को रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने तक का नोटिस भेजा हुआ है, लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि मुकेश कुमार कहाँ छुपा हुआ है वो, और हेम प्रकाश शर्मा, इनकम टैक्स हेम प्रकाश शर्मा को ढूंढ रहा है, ईडी एम प्रकाश शर्मा को ढूंढ रहा है, पूरे हिंदुस्तान की मशीनरी एम प्रकाश शर्मा को ढूंढ रही है, आरजे कुमार जो सीए है उसको इनकम टैक्स ने अरेस्ट कर लिया था, इन सारी कंपनियों का सीए वही है, ईडी ने अरेस्ट किया था, हमने पिछले संडे को भी बताया था, तो सब कुछ मालूम है और जाँच चल रही है, और क्योंकि जाँच अरविंद केजरीवाल के घर तक पहुंच गई है इसीलिए एक आदमी को आखिरी बलि का बकरा बना के कल अरविंद केजरीवाल सामने लेके आए थे। कपिल सवाल यही है कि जिस पर आप कह रहे हैं कि इतनी बड़ी जांच है, जिन कंपनियों को फर्जी बताया गया, वो आदमी कोई एक आदमी आता है उसको ऑन करता है बकायदा और बता रहा है कि मैंने चंदा दिया, सब तफसील से उसने अपना एड्रेस भी दिया, सब कुछ दिया, ऐसे में कोई आदमी ऐसा क्यों करेगा? मैं आपको बताता हूँ ना क्यों करेगा, मुकेश कुमार की मजबूरी है, उसकी कंपनियों को एक नोटिस गया हुआ है, जिस दिन दिल्ली सरकार चाहे उसकी कंपनियां सारी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, वैट का नोटिस गया हुआ है और उसके ठेके एसकेएन के दिल्ली सरकार में चलते हैं, उसका सारा धंधा, असली धंधा केवल उसका वही था वो बंद हो जाएगा, और नकली धंधे उसके सारे हमने यहाँ खोल के रख दिए। ये नोटिस की कॉपी मैं आपको दिखाता हूँ दिल्ली सरकार की, डिफॉल्टिंग एंट्री, ये सारे नोटिस है डिफॉल्टिंग के 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 और 2014-2015 लगातार 5 साल तक डिफॉल्टर। ऐसा आदमी मुख्यमंत्री बोले उल्टा लटक जाओ तो उल्टा लटक जाएगा, उसकी पूरी जिंदगी इसी मामले पे अटकी हुई है। एलपीजी सीएनजी वाटर कूलर इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, मुकेश शर्मा की कंपनी को सरकारी ठेके मिले दिल्ली सरकार, हाँ जी, एसकेएन एसोसिएट है सर कंपनी, हाँ तो ठेके केजरीवाल सरकार के आने के बाद मिले, ठेके पहले से ठेके चल रहे थे, लेकिन नोटिस मिला था सरकार आने के ठीक 10 दिन पहले कि तुम टैक्स नहीं देते हो तुम्हारी कंपनी बंद हो जाएगी, टैक्स देने की जगह उसने फर्जी कंपनियों के माध्यम से पैसे देने दिए आम आदमी पार्टी में। क्या सरकार आने के बाद, जैसे पहले बाद वो चालू है काम, अच्छा वो ठेके
कंपनी का सर ठेके मिले पहले हैं, लेकिन नोटिस मिला था कि कंपनी और ठेके बंद हो जाएंगे, उस नोटिस के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। कपिल सवाल वही हो रहा था कि एक आदमी जो सामने घर पे बैठा है, इंटरव्यू दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसके खिलाफ अगर इस तरीके की चीजें हैं तो उस पर अभी तक सरकारी एजेंसियों ने कार्रवाई क्यों नहीं? सर कार्रवाई करी है ना एजेंसी, टेक्निकली स्पीकिंग सारे एजेंसी इनके पीछे लगा हुआ है, इन लोगों को नोटिस मिला हुआ है। इन लोग ने सारे कहा कि सारे कंपनी हमने चेंज किया, कि उन लोग डर गया, लेकिन पहले ही जिस दिन हमने पहले बार खुलासा किया था वो सारे एड्रेसेस ही फर्जी निकला था। और ये हेम प्रकाश, मुकेश कुमार, शिव चरण गोयल नेक्सस बन गया ना, रोहित टंडन, और अगर केजरीवाल एक और झूठ कहेगा तो हम एक और खुलासा करेगा ये चार कंपनी के साथ और विधायक और एक और बड़ा। अच्छा, एक चीज मैं और आपके सामने ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ, शिव चरण गोयल उनकी कंपनियों ने इन चारों कंपनियों और नरेश यादव इन चारों फर्जी कंपनियों के अंदर से साथ कारोबार किया है, नकली पेपरों पे उनके साथ पैसों का लेन देन किया है, जिसके डिटेल हमने आप लोगों के सामने रखे हैं, उनके अपने एफिडेविट में वो सारे डिटेल दिए गए हैं। और क्योंकि अगर शिवचरण गोयल और नरेश यादव उनका खुलता है डिटेल, तो एक पूरा का पूरा और नेक्सस आम आदमी पार्टी का खुलता है, तो मुकेश कुमार और अरविंद केजरीवाल की मजबूरी थी। हेम प्रकाश शर्मा का नाम सामने ना आए, शिवचरण गोयल की सच्चाई यहीं की यहीं रुक कर रह जाए, नरेश यादव तक जांच की आँच ना पहुंचे, और अरविंद केजरीवाल का हवाला का जो नेटवर्क है वो जनता के सामने ना आए, इसके लिए मुकेश कुमार को बलि का बकरा बनाया गया है। एक चीज़ तो बिल्कुल हिंदुस्तान की जनता समझती है, अमेरिका गए, कनाडा गए, हांगकांग गए, ब्रिटेन गए, स्विट्जरलैंड गए, स्वीडन गए, सारी दुनिया में गए, 2 करोड़ रुपये केवल गंगा विहार में रहने वाले आदमी से मिला तुमको। वीडियो खेलना जो बनाया था कपिल जी, एक सवाल ये है कि ये सारी एजेंसियां इनके खिलाफ पिछले 2 साल से जांच कर रही हैं, 2 साल में नहीं सर, इन्होंने मैं बताता हूँ, इन्होंने इनकम टैक्स को ये लिख के दिया कि हमें मालूम नहीं 2 करोड़ कहाँ से आया, ये आम आदमी पार्टी ने लिख कर दिया कि 2 करोड़ रुपए आया लेकिन कहाँ से आया मालूम नहीं। अभी मैं बोलता हूँ अरविंद केजरीवाल जी, तुमने ये वीडियो ट्वीट किया है, इनकम टैक्स को लिख के दो कि मुकेश कुमार ने 2 करोड़ रुपए दिया है, चुनौती देता हूँ। तुम IRS ऑफिसर हो, फाइनेंस की सारी नॉलेज है, कानून की सारी समझ है, तुमने खुद बोला इनकम टैक्स को 2 करोड़ कहाँ से आया मालूम नहीं है, सारे देश के सामने चुनौती देता हूँ, आज लिख के दो इनकम टैक्स को कि 2 करोड़ रुपए मुकेश कुमार ने दिया है, चुनौती है, इनकम टैक्स को लिख के भेजो जवाब कि 2 करोड़ रुपए मुकेश कुमार ने दिया, तुम जेल चले जाओगे। ये पूरा आरोप, बहुत सारे आरोप जो है ईडी और जो इनकम टैक्स वो पहले भी नहीं सर, ये रोहित टंडन को छापा अभी पड़ा है, 2 साल पहले नहीं पड़ा। रोहित टंडन और अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और हेम प्रकाश शर्मा, ये इस देश के सामने पहली बार आया, इससे पहले कभी नहीं आया ये नाम, ये पहली बार इस देश के सामने आज आया है। और हेम प्रकाश शर्मा का लेटर हेड मैंने आपको दिखाया है, मुकेश कुमार के 2 लेटर हेड उनको बना दिया गया कि चारों मुकेश कुमार का है, जिससे कि हेम प्रकाश शर्मा का नाम सामने ना आ पाए। और हेम प्रकाश शर्मा वही हेम प्रकाश शर्मा है जो डेवलिन कंपनी में है, जिसका ब्लैक मनी को वाइट करना, डीमोनेटाइजेशन, हवाला, उस पर छापा पड़ा है, और नोट ही नोट आप सबने कवर किए हैं, आप सबके चैनलों के पास उसकी फुटेज है कि किस प्रकार से काले धन, बिल्कुल ऐसा काला धन और नोटों की गड्डियां इस देश में कभी नहीं देखी गई। कपिल, आप आरोप पे आरोप लगाते जा रहे हैं और अपनी तरफ से सबूत भी रख रहे हैं, लेकिन आपके साथ पार्टी का कोई बड़ा नेता अब तक, मिसाल के लिए कुमार विश्वास ही सही, नहीं आए हैं, तो क्या आपने इन बातों को पहुंचाने की कोशिश की सर आपके माध्यम से? क्या आपको लगता है कि ये तमाम लोग भी शामिल हैं इस खेल में? मेरे को मैं अपने स्वधर्म का पालन कर रहा हूँ, ये मेरा धर्म है जो मैं कर रहा हूँ, इसके लिए प्राण जाएगा तो प्राण जाएगा, सब अपने अपने स्वधर्म का पालन करेंगे, ये सच्चाई। इसीलिए मैंने आज हर एक विधायक से ये प्रार्थना की थी कि आप सब इस सच्चाई को देखें, आम आदमी पार्टी के हर कार्यकर्ता से प्रार्थना की थी कि इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सब लोग देखें, अपने दिल में सोचें, अपने परिवार वालों से बात करें। इसको देखने के बाद मैं आम आदमी पार्टी को साफ करने के लिए निकला हूं, और वो इस सब को छुपा के अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं, किसी भी एक भी सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं है। कितना झूठ बोल लो, तुम जितना झूठ बोलोगे मैं उतनी तुम्हारी सच्चाई इस दुनिया के सामने लेके आऊंगा। आपने तमाम आरोप लगाए आम आदमी पार्टी केजरीवाल पर, उनके तमाम और तमाम शिकायतें भी एजेंसियों को आपने किया, लेकिन एजेंसियों की तरफ से जो एक्टिवनेस दिखानी होनी चाहिए, जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं है। नहीं सर, यहाँ पे आप गलत हैं, कि केंद्र सरकार और एजेंसियां उनके पीछे लगी हुई है, तो आखिर में आपको नहीं लगता कि आपके जो दावे हैं, आपके जो सबूत हैं वो उतने मजबूत नहीं है? सर ये जो मैंने आपके सामने रखा है इसमें कमजोरी बताइए,
पूरे देश के सामने एक एक डिन नंबर रखा है, एक एक पैन नंबर रखा है, एक एक खाता रखा है, कब पैसा आया ये रखा है, उस आदमी की कंपनी के डिटेल रखे हैं, उसके यहाँ छापा कब पड़ा ये रखा है, तो सारी चीज़ें पूरे देश के सामने रखी हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, चुप होकर क्यों बैठे हैं, छुप कर कहाँ बैठे हैं, किसके पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं, कौन सी सच्चाई छुपाना चाहते हैं। सफ़ेद धन से काम करते हो, ईमानदार हो, कुछ गलत नहीं किया, तो छुप के कहाँ बैठे हो, जरा सामने तो आओ।